6 मई 1532 को मध्य प्रदेश के रायसेन किले पर रानी दुर्गावती ने 700 राजपूत महिलाओं और बच्चों के साथ जौहर किया था। गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह से हार के बाद रानी दुर्गावती ने अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए ये कदम उठाया था। रानी दुर्गावती का विवाह रायसेन के राजा शिलादित्य से हुआ था। जौहर से पहले रानी दुर्गावती ने राज्य के विशाल शिव मंदिर में जाकर कसम ली थी कि वो बहादुर शाह के सामने नहीं झुकेंगी। रानी दुर्गावती के इस कदम के बाद शिलादित्य और उनके छोटे भाई लक्ष्मण सेन समेत सभी राजपूत योद्धा युद्ध लड़ने के लिए निकल पड़े। शिलादित्य ने अंतिम समय तक अपनी सेना का नेतृत्व किया और 10 मई 1532 को वीरगति को प्राप्त हुए। रायसेन के राजपूत समाज के लोग 6 मई को जौहर दिवस मनाते हैं। आर्किडीएप यूनिवर्सिटी। खानदानी लुटेरों की कोशिश होगी बेकार, फिर एक बार मोदी सरकार। 6 मई 1972 को भारतीय सेना के लांस नायक आबिद खान का जन्म उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में हुआ था। आबिद खान 6 फरवरी 1988 को सेना में भर्ती हुए थे। उनकी पहली पोस्टिंग डलहौजी में हुई थी। 1995 में आतंकियों से लोहा लेते हुए सुरक्षित अपनी चौकी तक वापस आने के लिए आबिद को सैनिक सम्मान से सम्मानित किया गया था। कारगिल युद्ध के दौरान 30 मई को आबिद खान की टुकड़ी को टाइगर हिल नियंत्रण लेने के लिए रवाना किया गया। उनके कई सैनिक साथी बलिदान हो चुके थे। एक गोली आबिद के पैर में भी लगी थी। बावजूद इसके हिम्मत न हारते हुए उन्होंने निरंतर आगे बढ़ते हुए दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया। लेकिन यहाँ राष्ट्र की रक्षा करते हुए लांस नायक आबिद खान भारत माता के चरणों में 1 जुलाई को बलिदान हो गए। उनका पार्थिव शरीर 12 जुलाई को उनके घर पहुंचा था। 6 मई 2010 को मुंबई हमले के आतंकियों में से जिंदा पकड़े गए एकमात्र आतंकवादी अजमल कसाब को एक विशेष अदालत द्वारा फांसी की सजा सुनाई गई थी। 26 नवंबर 2008 को मुंबई पर कराची के रास्ते नाव से घुसे लश्करे तैयबा के आतंकियों ने हमला किया था। हमलावरों ने मुंबई की अलग अलग जगहों को निशाना बनाया था। हमले में 160 से भी ज्यादा नागरिकों की जान गई थी और 300 से भी ज्यादा लोग घायल हुए थे। आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में मुंबई पुलिस, एनएसजी और एसपीजी के 10 से ज्यादा जवान बलिदान हो गए थे। कसाब को हमले के अगले ही दिन यानी 27 नवंबर को जूहू चौपाटी से गिरफ्तार किया गया था। कसाब ने उस समय राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के पास दया याचिका भेजी थी, जिसे 5 नवंबर को राष्ट्रपति ने खारिज कर दिया था, जिसके बाद 21 नवंबर 2012 को पुणे की यरवडा जेल में कसाब को फांसी दी गई थी। 6 मई 1861 को एक वकील, स्वतंत्रता सेनानी और स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू का जन्म प्रयागराज में हुआ था। उनकी वकालत, राजसी ठाट बाट और पढ़ाई को लेकर कई किस्से मशहूर हैं। उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा ब्रिटिश राज के सरकारी स्कूल से हासिल की थी और लॉ में टॉप किया था। अपने लॉ करियर में आगे बढ़ते हुए उनके जीवन स्तर में काफ़ी सुधार हुआ। वो बाद में सबसे अमीर भारतीयों में से थे। कहा जाता है कि जैसे जैसे उनकी तरक्की हुई, वैसे वैसे उनका रहन सहन बहुत हद तक यूरोपियन हो गया था। फिर 1920 में मोतीलाल नेहरू की मुलाकात गांधी से हुई और उनसे प्रभावित होकर वे स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए। करियर के शीर्ष स्थान पर पहुंचकर उन्होंने वकालत छोड़ दिया, गांधी जी के साथ आज़ादी की लड़ाई में जुट गए। मोतीलाल नेहरू 2 बार कांग्रेस अध्यक्ष भी रहे। 6 फरवरी 1931 को मोतीलाल नेहरू का निधन हो गया था। आर्किडीएप यूनिवर्सिटी। खानदानी लुटेरों की कोशिश होगी बेकार, फिर एक बार मोदी सरकार। 6 मई 2002 को एलन मस्क ने स्पेस एक्स की शुरुआत की थी। कंपनी ने छोटी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजने के लिए अपना पहला रॉकेट फाल्कन 1 नाम से बनाया था। ये दूसरे रॉकेट की तुलना में काफी सस्ता था। मार्च 2006 में पहली बार इसे लॉन्च किया गया, हालांकि ये सफल नहीं हो पाया था। कई प्रयासों के बाद आखिरकार सितंबर 2008 को स्पेस एक्स फाल्कन को लॉन्च करने में सफलता मिली। और इसी के साथ ये कारनामा करने वाली पहली प्राइवेट कंपनी बन गई। आज एक्स, टेस्ला और स्पेस एक्स के बॉस एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं।
उनका जन्म 28 जून 1971 को साउथ अफ्रीका में हुआ था।